नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडिया तकरीबन 700 की मात्रा में ए टू एयर और ए टू सरफेस मिसाइल प्रोक्योर करने वाला है। और हाल ही में रशियन मीडिया स्पुटनिक की तरफ से ऐसी खबर आई है कि इंडिया ने टेस्ट किया है एक अवैक्स किलर, जिसका नाम RVV-BD है, जो कि एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है R-37 का। और ये टेस्ट इंडियन एयरफोर्स के Sukhoi-30 MKI से कंडक्ट किया गया है और इसे यूजर ट्रायल के अंतर्गत कंडक्ट किया गया है। और इसी डिफेंस सेगमेंट में बात करेंगे कि इंडिया जो प्रोक्योर कर रहा है मिसाइल्स, तो क्या वो मिसाइल्स R-37 और R-77 है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, ऐसी खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स R-77 को ऑब्सोलीट करने वाली है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे मिसाइल्स क्यों प्रोक्योर कर रही है इंडियन एयरफोर्स, उसे भी जानेंगे। और ये जो मिसाइल प्रोक्योर होने वाले हैं, तो क्या ये मिसाइल्स R-77 है और R-73 है या कुछ और ही मिसाइल है, इसको भी जानेंगे। तो इस डिफेंस सेगमेंट में बढ़ने से पहले, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब करें। और एक सजेशन है, अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपके किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है किसी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये है मेरा ट्विटर हैंडल। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि IAF को इतने सारे, इतनी जल्दी एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और क्यों IAF तकरीबन 700 के अमाउंट में कुछ इस तरह के मिसाइल्स को प्रोक्योर करना चाहती है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, बालाकोट स्ट्राइक के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ गई थी, और इस टेंशन के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स कम्प्लीटली लोडेड होके अपने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे, और ये काफ़ी रिग्रेस पेट्रोलिंग थी। और इस पेट्रोलिंग की वजह से जो भी मिसाइल्स इन फाइटर जेट्स पे लोडेड थे, उनकी जो सेल्फ लाइफ थी वो डिग्रेड हो गई, और जिसका परिणाम ये है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी इन्वेंट्री को और मजबूत करने के लिए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को प्रोक्योर करना चाह रही है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडिया का जो अस्त्र मिसाइल है वो अभी अपने फुल फ्लेज प्रोडक्शन की तरफ नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ जो IDRB का ऑप्शन है, उसको किसी थर्ड कंट्री के वेपन के रूप में देखा जा रहा है रशियंस के द्वारा, और जिसकी वजह से जो भी हमारे पास रशियन फाइटर्स हैं, जैसे कि Sukhoi-30 MKI, तो इसके अंडर एक क्लॉज है, और इस क्लॉज में ऐसा क्लियरली लिखा गया है कि इस पे अगर कोई भी थर्ड कंट्री का वेपन आप डिप्लॉय करना चाहते हो और आप सोर्स कोड शेयर करना चाहते हो उनके साथ, तो आपको जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा साफ साफ क्लॉज में लिखा हुआ है। तो करंटली इन दोनों ऑप्शंस के लिमिटेड हो जाने थे, और दूसरी तरफ IAF की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो अपनी इन्वेंट्री को कंप्लीट करे, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ये चाह रही है कि तकरीबन 700 की मात्रा में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल प्रोक्योर किए जाएँ रशिया से। और अभी बात करेंगे हम कि ये किस तरह के मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करने की सोच रही है। फिलहाल अभी बात कर लेते हैं कि क्यों किसी भी मिसाइल की लाइफ डिग्रेड होती है अगर वो फाइटर जेट के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं, और ऐसा बहुत लोगों को पता भी होगा, कि कोई भी जो मिसाइल होती है वो एक सर्टेन सेल्फ लाइफ के साथ आती है। जैसे कि अगर आप कंसिडर करते हो R-73, तो R-73 की जो लाइफ है वो तकरीबन 10 साल की है या फिर 60 आवर्स की है। अगर आप फाइटर जेट पर डिप्लॉय करके रन करते हो तो वो 60 आवर तक सस्टेन कर पाएगा, और उसके बाद उसमें जो भी अम्यूनिशंस और कंपोनेंट्स होंगे उनकी लाइफ डिग्रेड हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ केस R-77 के साथ भी है। वहीं पे दूसरी तरफ जो AIM-120 है, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो तकरीबन 1000 आवर्स की है। तो बात करेंगे कि क्यों किसी भी मिसाइल की सेल्फ लाइफ डिग्रेड होती है। तो इसके कुछ ये फैक्टर्स हैं, जैसे कि जब तक कोई भी मिसाइल कैनिस्टर के अंदर होता है तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर मिल रहा होता है और उसका रखरखाव हो रहा होता है, और जिसकी वजह से एक कैनिस्टर में होने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो प्रिजर्व रहती है, और उसे आप 8 से 10 सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप उसे फाइटर जेट पर डिप्लॉय करते हो और उसके साथ आप पेट्रोलिंग करते हो, तो उस पर डिफरेंट तरह के फैक्टर्स अप्लाई होने लग जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम प्रेशर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, अनइवन एक्सेलरेशन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस मिसाइल को, ऐसा नहीं है कि कुछ देर के लिए ही इन कंडीशन में रखते हैं, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इन कंडीशन में रहने की वजह से जो मिसाइल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी लाइफ डिग्रेड होती है। और वो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि इन फैक्टर्स की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर मिसाइल की बैटरी, रॉकेट मोटर और फ्यूल। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि मेजरली अफेक्ट होते हैं इस एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से। अगर आप बैटरी की बात करते हो तो बैटरी की भी एक टिपिकल जो सेल्फ लाइफ होती है वो तकरीबन 10 ईयर्स की होती है, लेकिन जैसे ही आप इसे एक्सट्रीम टेम्परेचर या फिर एक्सट्रीम प्रेशर के सामने रखते हो तो इसकी सेल्फ लाइफ अपने आप ही डिग्रेड हो जाती है। तो बहुत से केस में बैटरी पहले डिग्रेड हो जाती है। अगर आप बात करते हो दूसरे
कंपोनेंट की, तो वो है रॉकेट मोटर। तो जिन मिसाइल्स में रॉकेट मोटर लगा होता है वो भी अपने एक सर्टेन लाइफ साइकिल के साथ आते हैं, और वहाँ पे रॉकेट मोटर की लाइफ डिग्रेड हो जाने से जो मिसाइल का इंजन है वो खराब हो जाता है, और रॉकेट मोटर की लाइफ यूजुअली स्ट्रीम ग्रेविटी के अंदर रखने से डेटोरिएट होती है। अगर आप बात करते हो फ्यूल की, तो फ्यूल में आप दो प्रकार के फ्यूल यूज करते हो, पहला है आपका लिक्विड फ्यूल और दूसरा है आपका सॉलिड फ्यूल। अगर आपका इंजन सॉलिड इंजन है तो आपकी जो मिसाइल की लाइफ होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन सॉलिड इंजन में भी क्या होता है, अगर आप सॉलिड इंजन को एक्सट्रीम टेम्परेचर में रखोगे तो उसका जो सॉलिड फ्यूल है उसकी लाइफ बहुत जल्दी ही डेटोरिएट होगी। वहीं पे अगर आप बात करते हो लिक्विड फ्यूल की, तो लिक्विड फ्यूल के एक्सट्रीम प्रेशर में रहने के बाद और एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के बाद इसका जो कॉन्टैक्ट होता है इसके सराउंडिंग से वो अपने सराउंडिंग को कोरोड कर देता है, और जो फ्यूल होता है उसका कंडेंसेशन जल्दी शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो कि मिसाइल को ठप कर देते हैं, और इसीलिए आजकल के कुछ मॉडर्न मिसाइल्स में अब एक्सेलेरोमीटर यूज होने लग गया है, ताकि वो फ्यूल के मूवमेंट की वजह से जो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे एक नज़र बनाए रखें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मिसाइल की जो लाइफ है वो अपने आप ही गिरती है पेट्रोलिंग के दौरान। अब बात करते हैं कि वो कौन सा मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स अपने Sukhoi-30 MKI से टेस्ट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कि हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट भी किया था कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने Sukhoi-30 MKI से AWACS Killer R-37 टेस्ट किया है। जैसा कि आप सब जानते होंगे R-37 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है वो RVV-BD है, और इस मिसाइल को ही यूजर ट्रायल के अंतर्गत टेस्ट किया गया है। तो ये मिसाइल एक AWACS Killer बताया जा रहा है, और जैसा कि आप सब जानते होंगे जो भी AWACS एयरक्राफ्ट होते हैं वो एक हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं, वो उतने मनूवर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के टारगेट को हिट करने के लिए जो भी मिसाइल्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो एक लार्जर रेंज की मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, और जिसका परिणाम ये होता है कि इसकी जो मनूवरिंग क्षमता होती है वो उतनी नहीं होती है इन मिसाइल्स की, क्योंकि यहाँ पे AWACS एयरक्राफ्ट को हिट करने के लिए ज़्यादा मनूवर करने वाले मिसाइल्स की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए जो कुछ कंपोनेंट्स जो मनूवरिंग करने वाले मिसाइल्स में दिया होता है वो इन मिसाइल्स में नहीं दिया गया होता है। और इसीलिए जो भी AWACS Killer मिसाइल्स होती हैं यूजुअली उनका जो जी वैल्यू होता है वो कम होता है, और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो जैसे कि मीटियोर मिसाइल है उसकी जो जी वैल्यू है वो काफ़ी एक्सट्रीम है, वहीं पे हमारा जो अभी AWACS मिसाइल है इसकी जो जी वैल्यू है ये तकरीबन 8 से 10 के बीच में है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो अभी इस RVV-BD को इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है Sukhoi-30 MKI से, और जैसे ही ये यूजर ट्रायल ख़त्म होता है तो इसे इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट कर लेगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने R-73 का जो नेक्स्ट वेरियंट है R-74 उसको भी टेस्ट किया है, और जिसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को RVV-MD बताया जाता है। और इसी दौरान एक और मिसाइल टेस्ट किया गया है जो कि R-77 का सक्सेसर है, और ये मिसाइल है R-77-1, और इसके एक्सपोर्ट वेरिएंट को RVV-SD बताया जाता है। तो ये तीन तरह के मिसाइल्स इंडियन एयरफोर्स जल्द ही अपनी इन्वेंट्री में देखने वाली है। तो जैसा कि बातें चल रही थी कि इंडियन एयरफोर्स R-77 क्यों ले रही है या फिर R-73 क्यों ले रही है एक लार्ज अमाउंट में, तो ऐसा नहीं है कि R-73 और R-77 इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर कर रही है, लेकिन इनका जो नेक्स्ट वेरिएंट है जो सक्सेसर्स हैं उन्हें इंडियन एयरफोर्स प्रोक्योर करने जा रही है, जो कि 300 और 400 के अमाउंट में R-74 और R-77-1 हो सकते हैं। तो ऐसा भी अनुमान है। देखने वाली बात यह होती है कि IAF कब तक इस डील को फाइनलाइज करके ये 700 A2A और A2G मिसाइल्स प्रोक्योर करने वाली है। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।